चार इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं लर्निंग के। अब ये मेरा थ्योरी नहीं है, ये किसी एक महान इंसान की थ्योरी है कि भाई लर्निंग जो होती है ना वो चार स्टेजेस में होती है। देखो कौन से चार स्टेजेस होते हैं सर? सबसे पहला स्टेज तो होता है कि आप अपने गुरु से सीखते हैं, फर्स्ट स्टेप जो आप लोग कर रहे हैं लर्निंग का। दूसरा स्टेप क्या होता है तो ये बहुत एक महान इंसान ने बोला है, उसका भी नाम बताऊंगा किसने बोला है, बहुत ही प्यारी सी चीज है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा? सेकेंड स्टेप होता है कि हम फर्स्ट तो आपने टीचर से सीखा, सेकेंड स्टेप होता है कि आप सीखते हैं अपने आप से। अपने आप से कैसे सीखते हैं? अब जब आपने क्लास में सीखा, जब आप उसको जाके प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर, या रिवीजन करते हो, या नोट रिवाइज करते हो, तब आप दोबारा से काफी चीजें आपको चमकती हैं, राइट? तो वो होता है सेकेंड स्टेप लर्निंग का। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड होता है बेटा जब आप लर्न तब करते हो जब आप दूसरों से लर्न करते हो। दूसरों से कैसे लर्न करते हो? जैसे मान लो कई बच्चे डाउट्स को आंसर करते हैं किसी के, जब आपस में डिस्कशन करते हो तो कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को समझाते समझाते हमें भी वो चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग इज कि हम अपने फ्रेंड्स से या अपने कलीग से या अपने दोस्तों से समझते हैं, वो थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग है। चौथा स्टेप है कि आप समय के साथ सीखते हैं कुछ चीजें। कुछ चीजें कब सीखते हैं? समय के साथ सीखते हैं। अब सर ये क्या मतलब हुआ? देखो बेटा ऐसा होता है जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो आप उसको कुछ चीजें, ऐसा नहीं होता कई बार जब आप दोबारा पढ़ते हो थोड़े दिन बाद पढ़ते हो तो आपको लगता है ये तो बहुत ऑब्वियस था, अरे वाह यार ये तो बड़ी आसानी से समझ आ गई। तो कुछ चीजें समय से पहले आपको नहीं समझ आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम समय के साथ और वाइज बनते जाते हैं ना, जैसे लाइफ में भी। अब तुम देखो जब तुम छोटे थे तो कितनी सारी चीजों में तुम्हें प्रॉब्लम आती थी, अब तुम बड़े हो गए तो अपने आप ही तुम्हें वो चीजें, अरे यार ये तो बड़ी ऑब्वियस थी ये सब, मैं इसमें ऐसे सोचता था उस समय। तो वो आपका समय के साथ चीजें अपने आप सॉल्व होती जाती है। जेई की प्रिपरेशन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी में है, और ये चाणक्य ने बोला है, मेरे वर्ड्स नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ चाणक्य नीति। चाणक्य तो तुम लोग को पता ही है दैट ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन जो इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने ये बात बोली है कि भाई लर्निंग जब भी होती है ना कोई भी, वो इन चार फेजेस में होती है। कौन से चार फेजेस? पहला सीखते हो आप टीचर से, दूसरा सीखते हो अपने आप से, तीसरा सीखते हो अपने दोस्तों से, और चौथा सीखते हो समय के साथ, राइट? तो इस बात को भूलना मत।